वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज वी नो क्लास सिक्स चैप्टर थर्ड चेंज फॉर सर्वाइवल इज गोइंग ऑन। वी हैव डिस्कस द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्वेटिक हैबिटेट्स। व्हाट इज एक्वेटिक हैबिटेट? द हैबिटेट विच इज इन द वॉटर इज नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट। द हैबिटेट विच इज इन द वॉटर इज नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मरीन हैबिटेट मीन ओशियन, मीन मरीन मीन एक्वेटिक हैबिटेट विच इज ओशियन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द मरीन हैबिटेट। आई वुड लाइक टू टेल यू ऑन द अर्थ 29% इज द लैंड एंड 71% इज द वॉटर। ओके, on the land 29% earth is covered by the land and 71% is covered by the water. Marine habitat ocean, oceans are largest water reservoir on the earth. जो अर्थ के ऊपर है मोस्ट ऑफ वाटर, मतलब कहाँ पर रिजर्व होता है? इन द ओशंस। दे कवर अबाउट थर्ड फोर्थ ऑफ अर्थ सरफेस। जो ओशंस होते हैं अर्थ, मतलब जो ओशंस होते हैं अर्थ का कितना सरफेस कवर करते हैं? थर्ड फोर्थ मीन 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वी कैन से 71% वो टोटल क्या करते हैं, जो क्रस्ट होती है अर्थ की, मतलब 71% क्या करते हैं वो वॉल्यूम वी कैन से एरिया कवर करते हैं। कितना एरिया कवर करते हैं? 71%। स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं जो वहाँ पर मरीन लाइफ है, उनके स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं? ओशन इज मरीन हैबिटेट। एक तरह का ओशन क्या होता है? एक्वेटिक हैबिटेट है। ओशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट। जिसे ओशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं, ठीक है, और उनका जो क्लाइमेट है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है, और एनवायरनमेंट भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। Oceans on the poles have ice cold water. And as we move from poles to equator, the temperature of ocean water rises. As we know, temperature of poles are much colder, much lesser than the temperature of equator. Mean the ocean which are found on the poles have ice cold water. मेन जो ओशन पोल्स पे पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर के जो वाटर होता है क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मीन आइस कोल्ड मीन इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि उनकी वो फ्रीजिड फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ वाटर इज इन द फ्रीजिड फॉर्म। एंड एज वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर द टेम्परेचर आल्सो राइजेस एंड द ओशन विच आर फाउंड ऑन द इक्वेटर हैव वार्मर क्लाइमेट। मीन It has not much very cold water. It has warm water. Aquatic in animal adaptation in animals. What type of adaptation is found in animals in aquatic habitat? And how aquatic animals survive in the water? A variety of fishes like tuna, shark, and mackerels live in oceans. Which type of fishes are found there? Tuna, shark and mackerels. Fishes are completely adapted to live in water. जो fishes होती हैं वो completely कहाँ पर रहती हैं, mostly किस कहाँ पर रहने के लिए adapted होती हैं? Into water. Because they have gills. Most of fishes have gills by which they can breathe into the water. But they can't breathe out of water. That's why fishes are adapted to live in water. Presence of streamlined body and fins help them to swim. Presence of streamlined body. Streamlined body mean the body which is tapers at the both hands. Mean check the body of fish in the image. The जो बॉडी है क्या है वो टेपर्स है, मतलब दोनों एंड से तीखी है वो, ठीक है ना। टेपर्स से दोनों एंड से क्या है, फ्रंट से भी बैक से भी क्या है वो तीखी है।
ठीक है। जो स्ट्रीम लाइन बॉडी है जो वाटर में फास्टली स्विम करने में हेल्प करती है, एंड फिन्स हेल्प देम टू स्विम। जो फिन्स हैं उन्हें क्या करते हैं, बैलेंस बनाने में और स्विम करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द हार्ड वाटर प्रूफ स्केल्स एंड स्लाइम ऑन द बॉडी सरफेस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मीन साल्टी वाटर, सलाइन वाटर मीन साल्टी वाटर। द हार्ड वाटर प्रूफ स्केल्स एंड स्लाइम, स्लाइम मीन वैक्सी कोटिंग, जैसे कि फिशेज वगैरह होती हैं एक्वेटिक हैबिटेट में, जो उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हार्ड एंड वाटर प्रूफ स्केल्स होते हैं। वो स्केल्स होते हैं जो क्या होते हैं, हार्ड एंड वाटर प्रूफ होते हैं, मतलब उनकी बॉडी में जल्दी जल्दी वाटर वो नहीं करता, अब्जॉर्ब नहीं करती। एंड स्लाइम, और उसके ऊपर क्या होती है, वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है। जो वैक्सी कोटिंग मीन ऑयली कोटिंग होती है, जिससे क्या होता है, वो सलाइन वाटर मीन साल्टी वाटर में उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि अगर लिविंग बॉडी कोई भी, मतलब अनदर वन लिविंग बॉडी, अगर सलाइन वाटर में ज़्यादा टाइम तक रहेगी, सोल्टी वाटर में ज़्यादा टाइम तक रहेगी, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, मीन गलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उनकी बॉडी के जो एक्वेटिक एनिमल्स है, क्या होता है, उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं और स्लाइम होता है, स्लाइम मीन वैक्सी कोटिंग होती है। इसके कारण जो सलाइन वाटर है उनके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता, एनिमल्स के ऊपर जो सलाइन वाटर होता है उससे इनका उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। जो क्या होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गिल्स के हेल्प से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वाटर जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो माउथ से क्या लेते हैं, अंदर पीते हैं, और कहाँ से करते हैं, गिल्स से बाहर निकाल देते हैं। कहाँ से निकाल देते हैं, बाहर, गिल्स से। इससे क्या होता है, जो उनके गिल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, ओनली ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी वाटर को बाहर जाने देते हैं। इससे वो क्या करते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं इजीली। सम ऑफ द अडाप्टिव फीचर्स ऑफ मेमल्स लाइक डॉल्फिन्स वेल्स आर एज फॉलोज। मेमल्स क्या होते हैं, ठीक है, मेमल्स आर द एनिमल्स विच ब्रीथ थ्रू द लंग्स। वट आर मेमल्स, मेमल्स आर द एनिमल्स विच ब्रीथ थ्रू द लंग्स। डॉल्फिन एंड वेल्स आर ऑल्सो मेमल्स बिकॉज दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स। दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी। एज वी नो मोस्ट ऑफ एनिमल्स विच आर फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी। डॉल्फिन एंड वेल्स ऑल्सो हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी। दे लैक लेम्स बट मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स जस्ट लाइक फिशेस। उनके पास लेम्स नहीं होते, लाइक लेग्स हैंड्स वगैरह नहीं होते उनके पास, ठीक है। लेम्स क्या होते हैं, लेग्स एंड हैंड्स, वी कैन से आर्म्स, ठीक है। बट मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स जस्ट लाइक फिशेस। वो क्या करते हैं, वाटर में नदर फिशेस की तरह फिन्स की हेल्प से मूव करती हैं, स्विम करती हैं। प्रेन्स ऑफ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। उनकी बॉडी क्या होती है, बॉडी के ऊपर क्या थिक लेयर ऑफ फैट होती है, ठीक है। उनकी जो स्किन होती है काफ़ी मोटी होती है, मतलब थिक लेयर ऑफ फैट होती है, जिसके जिसको क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। टू कीप देम देयर बॉडी वार्म एंड अलोट फ्लोट इन वाटर, ठीक है। जो ब्लबर होती है उनकी बॉडी में को क्या रखती है, गर्म रखती है। जैसे कि आपको मालूम है, जैसे जैसे वाटर में हम डीप जाते जाएंगे ना, वाटर ठंडा होता जाएगा। जैसे जैसे वाटर में डीप जाते जाएंगे, वाटर क्या होता जाएगा, ठंडा, ठीक है। ठीक है, अफ्लोट इन वाटर, जो उनकी बॉडी को वाटर में उन्हें क्या करने में हेल्प करती है, जो ब्लबर होती है फ्लोट करने में हेल्प करती है। अनलाइक फिशेस दे कम अप टू वाटर सरफेस टू ब्रीथ। दूसरी फिशेस की तरह ये क्या करती हैं, ये जो डॉल्फिन होते हैं ये क्या करती हैं, वेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनके मेमल्स होते हैं लंग्स के ब्रीथ करती हैं। इनको टाइम टू टाइम सरफेस पे आना पड़ता है, किस लिए, ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि ये जो किससे लेती हैं ऑक्सीजन, एयर से, नोट द वाटर, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, एयर से लेती हैं, वाटर से नहीं लेती, क्योंकि इनके पास गिल्स नहीं होते, ये ह्यूमस की तरह ब्रीथ करती हैं, ठीक है। तो इनको टाइम टू टाइम क्या आना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है टू ब्रीथ। हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन।
ठीक है, आई टोल्ड यू वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, इट हैज वेट इक्वल टू 120 एलिफेंट। कितना वेट होता है इसका? 120 एलिफेंट्स के इक्वल होता है। ठीक है, डॉल्फिन इज द स्मार्टेस्ट एनिमल अक्वेटिक एनिमल, डॉल्फिन इज द स्मार्टेस्ट अक्वेटिक एनिमल। रोबोफैक्ट्स, सम एनिमल्स लाइक सी एनिमल्स, कोरल्स एंड क्रैब्स अनलाइक फिशेस आर अडेप्टेड टू लिव इन द लो टाइड रीजन्स ऑफ द सी। जैसे कि ये एनिमल है, एनिमोन जो होता है, कोरल जो होते हैं, क्रैब जो होते हैं, ये भी क्या है? एक्वेटिक एनिमल है। ये मोस्टली कहाँ पर रहते हैं? लो टाइड रीजन, जहाँ पर वाटर कम होता है वहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? जहाँ पर वाटर काफ़ी कम होता है, ठीक है, जहाँ पर लैंड होती है वाटर कम होता है वहाँ पर रहते हैं ये। ठीक है, मेन जहाँ पर लैंड और ओशन मिलते हैं वहाँ पर रहते हैं ये। वेयर दे आर एक्सपोज टू डायरेक्ट एयर ड्यू टू विच दे कैन स्टे अलाइव इवन वैन नॉट फुली सबमर्ज इन वाटर। ठीक है, ये मोस्टली बीच पे रहते हैं, बीच पे पाए जाते हैं, ओशन के जो बीच होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर लो टाइड रीजन होता है, वाटर कम होता है, और वो ये इनके पास लंग्स नहीं होते, ये डायरेक्ट एयर से ब्रीथ करते हैं। इनके पास लंग्स नहीं होते, ये डायरेक्ट एयर से ब्रीथ करते हैं, इसलिए ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑन द बीच ऑफ ओशेंस। ठीक है, नाउ मरीन हैबिटेट, मैनग्रोव स्वैम्प्स। अभी सेकंड में मरीन हैबिटेट कौन सा है? मैनग्रोव स्वैम्प्स। मैनग्रोव एक ट्री का नेम है, और स्वैम्प्स क्या होते हैं? दलदली जमीन। स्वैम्प्स क्या होते हैं? दलदली जमीन। ठीक है, यहाँ पर वाटर एंड सोयल दोनों मिक्स होते हैं, दलदली जमीन बोलते हैं उसको। मैनग्रोव स्वैम्प्स आर द रीजन्स दैट अकर बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट ड्यू दैट आर कवर्ड विद शेलो सी वाटर। मैनग्रोव के स्वैम्प्स क्या होते हैं? वो एरिया होते हैं जहाँ पर बिटवीन द मरीन एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बीच में होता है, जैसे कि जहाँ पर सी ओशन और क्या मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड मिलती है। ठीक है, जो मोस्टली क्या होता है? शेलो सी वाटर से कवर रहता है, मेन कम अमाउंट ऑफ वाटर से कवर रहता है, मतलब जो सॉइल होती है वहाँ पर क्या बन जाती है? स्वयं बन जाते हैं सॉइल में, मेन दलदल बन जाती है वहाँ पर। अडाप्टेशन इन प्लांट्स, किस तरह की अडाप्टेशन पाई जाती है, मतलब मैनग्रोव स्वैम्प्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें कौन सी अडाप्टेशन पाई जाती है? मैनग्रोव प्लांट्स। ठीक है, मतलब मैनग्रोव प्लांट्स ही पर पड़ा ना इनका नेम, मैनग्रोव स्वैम्प्स। तो मैनग्रोव प्लांट्स हैं आर अडाप्टेड टू ग्रो इन सिल्टी सॉइल कवर्ड विद सोल्टी वाटर। जो मैनग्रोव प्लांट्स मोस्टली वहाँ पर कौन से प्लांट ग्रो करते हैं? मैनग्रोव प्लांट्स। ठीक है, वो कहाँ पर ग्रो कर सकते हैं? वो सॉल्टी वाटर एंड सैंड सिल्टी सॉयल, सिल्टी सॉयल मतलब मॉइस्ट सॉयल में, मतलब ग्रो करने में अडाप्टेड होते हैं, मतलब इजीली ग्रो कर सकते हैं वहाँ पर, अनदर टाइप ऑफ प्लांट्स नहीं कर सकते वहाँ पर ग्रो। दे कैन टॉलरेट हाई साल्ट कंसेंट्रेशन। ठीक है, वो मतलब हाई साल्ट कंसेंट्रेशन मतलब जहाँ जिस वाटर में ज़्यादा अमाउंट में साल्ट होता है ना, वहाँ पर भी इजिली ग्रो कर सकते हैं। हालांकि जो दूसरे प्लांट जो होते हैं, नदरवन प्लांट्स होते हैं, अगर उनको आप हाई साल्ट वाला वाटर दोगे, ठीक है ना, सलाइन वाटर दोगे, तो क्या हो जाएगा? वो डेड हो जाएंगे। द रूट्स ऑफ मैनग्रोव प्लांट ग्रो अपवर्ड एंड देयर टिप्स रिमेन अबव द सरफेस ऑफ वाटर। जैसे कि आपको मालूम है ट्रीज की रूट्स होते हैं किस तरफ जाती है? डाउनवर्ड जाती है ना, इनटू द सॉइल। बट जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो इनकी रूट्स होती है वो किस तरफ आती हैं? अपवर्ड आती हैं, मतलब पानी से बाहर निकलती हैं वो। ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है? ब्रीथ करती है, एयर लेती हैं। ठीक है, तो वो कहाँ किस तरफ होती हैं? वाटर से बाहर निकलती हैं हमेशा, अपवर्ड ग्रो करती है। किस तरफ ग्रो करती हैं वो? अपवर्ड। दिस रूट्स ब्रीथ एयर डायरेक्टली व्हेन अंडरग्राउंड रूट्स आर कवर्ड विद स्वैम्प। ठीक है ना, जो रूट्स होती हैं वो क्या करती है? डायरेक्टली ब्रीथ करती है फ्रॉम द एयर। हालांकि जो रूट्स होती है इसकी हाफ रूट्स क्या होती है? स्वैम्प में होती है, दलदली जमीन में होती है। हाफ क्या होती है? इनटू एयर। क्यों होती है? क्योंकि एयर से ये क्या करती है? ब्रीथ करती हैं। द रूट्स ऑफ रेड मैनग्रोव्स कंटेन वैक्सी सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हाई साल्ट टू एंटर इनटू द प्लांट बॉडी। जो रेड मैनग्रोव्स होता है उनकी रूट्स क्या होती है? उनके जो रेड मैनग्रोव्स प्लांट होता है उनकी उसकी रूट के ऊपर क्या होती है? वैक्सी कोटिंग होती है, मीन ऑयली कोटिंग होती है। ठीक है,
जिससे क्या होता है, जैसे हाई, जैसे साल्टी वाटर होता है ओशन का, उनकी बॉडी में उस वो वैक्सीन कोटिंग क्या करती है, जो सोल्टी वाटर होता है ओशन का, उसको बॉडी में जाने से रोकती है, जिससे क्या होता है जो प्लांट इजिली सर्वाइव कर सकता है इन सोल्टी वाटर। अगर सोल्टी वाटर प्लांट्स की बॉडी में चला जाएगा तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। बट जो वैक्सी कोटिंग होती है, वीकेंड से ऑयली कोटिंग होती है, वो साल्टी वाटर को प्लांट्स की बॉडी में जाने से रोकती है, प्रिवेंट करती है। अडेप्टेशन इन एनिमल्स, जो प्लांट एनिमल्स मैनग्रोव स्वैम्प्स में पाए जाते हैं, उनमें क्या अडेप्टेशन होती है। सिंस दे आर सिचुएटेड बिटवीन द लैंड एंड द सी, मैनग्रोव प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड्स। ठीक है ना, जैसे कि आपको मालूम है मैनग्रोव्स कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर सी एंड लैंड दोनों मिलते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं मैनग्रोव्स, जहाँ पर सी एंड लैंड दोनों मिलते हैं। मैनग्रोव्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर द बोथ, इसलिए मैनग्रोव्स का जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं या मैनग्रोव्स स्वैम्प्स होते हैं, वो मतलब जिस जो एनिमल ओशन में रहते हैं उनको भी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनको भी क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। मतलब दोनों एनिमल्स को, जो ओशन में रहते हैं और लैंड पे रहते हैं, दोनों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस एंड अदर मेरीन एनिमल यूज दिस स्वैम्प्स एज फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ठीक है, अलग अलग तरह की फिशेज होती हैं। ठीक है, अदर मेरीन लाइफ मीन एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, मरीन लाइफ में ही अपनी फीडिंग करते हैं, मतलब वहाँ पर ही वो अपना खाना ढूंढते हैं, मतलब खाना खाते हैं। ठीक है, जो भी जैसे प्लांट्स या एनिमल्स वो खाते हैं, मतलब मरीन लाइफ में खाना खाते हैं। एंड ब्रीडिंग ग्राउंड, और वहीं पर क्या करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, न्यू बेबीज को वो वहीं पर बर्थ देते हैं। कहाँ पर, मैनग्रोव्स में, मैनग्रोव स्वैम्प्स में। दीज रीजन आर ऑल्सो यूज बाई यंग वंस ऑफ मैनी मेरीन एनिमल्स फॉर ग्रोथ इन अर्ली स्टेजेस। ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है एक्वेटिक हैबिटेट, ओशन में बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, वो छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं। ठीक है ना, जो मोस्टली जो एक्वेटिक मरीन एनिमल्स हैं जो स्वैम्प्स में पाए जाते हैं, वो मोस्टली उन जो उनके यंग वंस है वो स्वैम्प्स के, मैनग्रोव स्वैम्प्स के, स्वैम्प्स में ही ग्रो करते हैं। जब तक वो बड़े नहीं होते वो कहाँ पर रहते हैं, मैनग्रोव स्वैम्प्स में रहते हैं। ठीक है ना, जब वो बड़े हो जाते हैं फिर कहाँ पे चले जाते हैं, ओशन में और लैंड पे चले जाते हैं। बट जब तक वो बड़े नहीं होते वहाँ कहाँ पर रहते हैं, वो मैनग्रोव स्वैम्प्स में रहते हैं। ऐसे वो क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। अगर वो छोटे होते ही अगर वो चले जाएंगे ओशन में तो क्या हो जाएगा, उनको बड़े एनिमल्स खा जाएंगे। एनाफ बच्चे, एनाफ फॉर टूडे।